Hi everyone, hope you all are doing great. Let's come to question number 7, and the students who are watching this video for the very first time, they can check the description below and you will find the link to download the file as well. So coming to question number 7, which says Mr. Amit is a resident but not ordinary resident. Please dhyan dijiyega, Amit is a not ordinary resident. Aap jante hain ki not ordinary ki kaun si income taxable nahi hoti. Any income which does not arise in India nor received in India और वो इंडिया से कंट्रोल्ड भी नहीं है, ऐसी इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टैक्सेबल नहीं होती है. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, एनी इनकम विच डज नॉट अराइज इन इंडिया, नीदर रिसीव्ड इन इंडिया, ना इंडिया में अराइज हुई ना इंडिया में रिसीव हुई, और ना ही वो इंडिया से कंट्रोल्ड होती है, ऐसी इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टैक्सेबल नहीं होती है. तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये क्वेश्चन ले जाता है हमें. ही इज़ अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 1920. ही ओन्स टू हाउसेज, इनके पास दो घर हैं, शायद हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो सकता है. वन इन दुबई एंड द अदर इन चेन्नई. द हाउस इन दुबई इज लेट आउट एंड द रेंट इज DHS 20,000 पर मंथ. दुबई धर्म 20,000 पर मंथ का इनका रेंट आता है. हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन समझ में आता है. द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन दुबई, यानी कि इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही है और ना ही ये इंडिया से कंट्रोल होती है. दुबई का एक घर है. बट आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया. इसका मतलब ये इनकम आप टैक्सेबल करने वाले हैं. इवन अगर ये नॉन रेसिडेंट भी होते तो भी इनकम टैक्सेबल कर देते, बिकॉज द इनकम इज गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया. अमाउंट फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है, DHS दुबई धिरम में अमाउंट दिया हुआ है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीस एंड द कन्वर्जन रेट इज आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन. 1 DHS इज इक्वल टू 18 INR इंडियन रुपीस. आगे कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बातें दी गई हैं. ही पेड प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑफ DHS 2500 एंड सीवरेज टैक्सेस ऑफ रुपीज ऑफ DHS 1500. ये दोनों ही म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं. 4000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं. आपको पता है लेट आउट प्रॉपर्टी में पहले GAV निकालते हैं. फर्स्ट यू कैलकुलेट GAV, क्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस. अगर ये प्रॉपर्टी इंडिया में टैक्सेबल हो रही है तो इसके म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आप डिडक्ट कर सकते हैं. तो 4000 DHS इंटू 18 रुपीज़ के हिसाब से आप माइनस कर दीजिएगा, आपका NAV आ जाएगा. आगे बातें लिखी गई हैं. ही ऑल्सो हैज अ हाउस इन चेन्नई. इनकी एक और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, बट दिस हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. आप जानते हैं असेसी अपना एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर कर सकता है. तो चेन्नई का घर इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है. इसकी NAV निल लेते हैं. आई रिपीट, NAV निल लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द एंटायर पीरियड, एंटायर ईयर. He has taken a loan of 25 lakh to construct the house on 1st June 2015 and the construction was completed on 31st May 2017. हमें समझ में आता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है उसके ऊपर एक लोन दिया गया है 25 लाख रुपीज़ का एट रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से. इसका मतलब है कि हम इनका इंटरेस्ट अलाउ करने वाले हैं, बट आप ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम इंटरेस्ट की सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिटेड है. यानी कि यहाँ पर आप जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरा माइनस नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट होती है 30,000 या 2 लाख, और जनरली हम लोग 2 लाख लगाते हैं. मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा 30,000 और 2 लाख. प्लीज़ आप जल्दी से जब अपने हाउस प्रॉपर्टी का ये वाला क्वेश्चन करें तो अपने नोट्स में या अपनी बुक से जिससे आप पढ़ते हैं 30,000 और 2 लाख वाली कंडीशंस को चेक कर लीजिएगा. यहाँ पर 2 लाख की ही कंडीशन बाय डिफॉल्ट लगेगी. And he occupied the house on 1st June 2017. घर कंप्लीट हुआ है 31st May 2017 को. लोन लिया गया था 1st June 2015 को, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट आने वाला है. अभी इसको प्रेजेंटेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं. उसके बाद लिखा हुआ है द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019. यानी कि अभी तक ये पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है. इसका मतलब आप लोग पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 25 लाख रुपीज़ पर, बट अगर वो 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आ जाता है तो मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउ करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड हाउस, दैट इज चेन्नई हाउस, इज ₹2,400. म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं चेन्नई के हाउस के 2,400.
आपको पता है बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस यू स्टार्ट विद एनएवी ओवर हेयर. म्यूनिसिपल टैक्सेस तो जीएवी में से माइनस होने के बाद एनएवी आती है, बट यहाँ पर तो आपको एनएवी ही निल लेनी है. इन अदर वर्ड्स आई कैन से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस नहीं किए जाते, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे. कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अमित फॉर द असेसमेंट ईयर 1920. तो क्वेश्चन है, प्लेन हमसे पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताइए. नाउ ही हैज टू हाउसेज, वन इन दुबई एंड इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, रीजन बीइंग उसका रेंट इंडिया में रिसीव हो रहा है. दूसरी प्रॉपर्टी इनकी चेन्नई की प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए एनएवी निल लेते हैं. 24A की डिडक्शन, आपको पता है दो डिडक्शंस होती हैं हाउस प्रॉपर्टी में से, 24A एंड 24B. 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी. इफ द एनएवी इज निल द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल ऑटोमेटिकली बी जीरो. 24B इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है बट लिमिटेड है, यहाँ पर लिमिट हमारी 2 लाख की लगेगी. तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है. आप इसके सबसे अच्छा रहेगा कि दो कॉलम्स बना लें, वन कॉलम इज़ फॉर दुबई हाउस एंड द अदर कॉलम इज़ फॉर चेन्नई. और क्योंकि दुबई का लेट आउट घर है तो आप उसको जीएवी से शुरू करिए. जीएवी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर. एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट के कॉम्बिनेशन से. ऐसी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर करेंगे और एक्चुअल रेंट ही हमारा जेवी बन जाएगा. एक्चुअल रेंट फॉरेन करेंसी में गिवन है, उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए. 20,000 इंटू 18 इंटू 12 मंथ्स, ये आपका जेवी आ जाएगा. और क्योंकि 4,000 DHS आपने वहाँ पर असेसी ने इनफैक्ट 4,000 DHS का म्यूनिसिपल टैक्सेस भी पे किए हैं, वो भी अलाउ करेंगे बट इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद. तो आपका जेवी आ गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कीजिए, एनएवी आ जाएगा. एनएवी का अभी हम दुबई के बारे में बातें कर रहे हैं, एनएवी का 30% 24A की डिडक्शन मिल जाएगी. 24B लोन दुबई पर नहीं चल रहा है तो इसलिए हमारा यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी फ्रॉम दुबई हाउस. सिमिलरली आपके पास दूसरा कॉलम है चेन्नई वाले घर का, इसकी एनएवी ही जीरो लिख दें, निल लिख दें अच्छा रहेगा. और जीएवी और म्यूनिसिपल टैक्सेस से शुरुआत नहीं करते तो वहाँ पर आप डैश डैश लगा सकते हैं. एनएवी जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A विल ऑटोमेटिकली बी जीरो. 24B इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेंगी. आप इसके लिए एक अच्छा सा वर्किंग नोट बनाइए, वहाँ पर दिखा दीजिए. वर्किंग नोट वन में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो वर्किंग नोट वन में आप सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 25 लाख अभी भी पूरा आउटस्टैंडिंग है. तो करंट ईयर का करंट पीरियड कौन सा बेटा हमारा, प्रीवियस ईयर 18-19, इसका इंटरेस्ट आ गया 25 लाख का 12%. आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए. ऑल्दो ये 2 लाख को एक्सीड कर रहा है, हमें पता है कि हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, बट क्वेश्चन में क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में भी चीज़ें मेंशन की गई हैं तो आपको उसको ज़रूर शो करना चाहिए. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक लेते हैं, इसके लिए काफ़ी बच्चे यहाँ पर जिनको डाउट होते हैं कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में प्रॉब्लम आती है, बेटा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है. आप शुरुआत करते हैं, यानी कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, जब से आपने लोन लिया है तब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होता है. जैसे इस केस में लोन लिया गया है 1 जून 2015 को, यहाँ से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा 1 जून 2015. और वो कब तक जाता है ये बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, जब तक जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है. जल्दी से बताइए घर के कंप्लीशन डेट क्या थी. द डेट ऑफ कंप्लीशन वॉज 31 मई 2017, यानी कि हमारा घर कंप्लीट हुआ है इन द प्रीवियस ईयर 1718. आई एम अगेन रिपीटिंग, द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2017. तो ये बताइए ये कौन से ईयर में फॉल करता है, ये फॉल करता है 1718 में. जब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करें तो ये ईयर पूरा इग्नोर कर दे, इससे पहले पहले का पीरियड ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड
होता है वहाँ पर ये एंड हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे इस केस में 31 मई 2017 को घर कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर 17-18 को छोड़ दीजिए, तो इससे पहले पहले का पीरियड क्या होगा, इसके पहले की डेट होगी 31 मार्च 2017। तो इस केस में आपके 22 मंथ्स आने वाले हैं। आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालिएगा 22 मंथ्स का, 25 लाख × 12% पूरे साल का आया, 1/12 एक महीने का आया, × 22 ये पूरा आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाव होता है, जिस साल घर कंप्लीट हुआ है उस साल से शुरू हो जाएंगे 5 साल। तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर है 18-19, तो क्या वो 5 साल के बीच में आ रहा है? हाँ, हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, बिकॉज घर कंप्लीट हुआ था 17-18 में, हमारा ईयर चल रहा है 18-19, तो हमारा इस 5 साल की कैटेगरी में आ रहा है घर। तो यहाँ पर हम लोग इस साल डिडक्शन देने वाले हैं 1/5। तो जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया उसकी 1/5 जो अमाउंट आया है आपके यहाँ पर 110,000 रुपये, उसको ऐड कीजिएगा करंट ईयर के इंटरेस्ट में। टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके दिखाइए, बट क्योंकि ये 2 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो मैक्सिमम हम 2 लाख ही अलाउ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना वर्किंग नोट दिखाइएगा इंटरेस्ट का, और अपने वर्किंग नोट मेन आंसर में शो कर दीजिए कि आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ का अलाउ हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस आ गया चेन्नई में 2 लाख रुपीज़ का। इस तरीके से नाउ यू हैव अ दुबई हाउस विच हैज़ इनकम एंड चेन्नई हाउस विच हैज़ अ लॉस ऑफ 2 लाख। आप दोनों की इनकम को एक साथ मर्ज कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी के हेड से आ रही हैं, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। तो आई सपोज ये आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।